News 18, India. आएगी हरियाणा पुलिस तो बड़ी खबर आपको बता दें, यानी जो प्रदर्शनकारी है उन पर NSA नहीं लगाएगी हरियाणा पुलिस। ये बड़ी खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की हालांकि अपील की गई है। हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की भी अपील की है। तो किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर है, NSA नहीं लगाया जाएगा प्रदर्शनकारियों पर, यह हरियाणा पुलिस की तरफ से कह दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो कानून अपने हाथ में ना लें, कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़े। हमारे साथ मानव यादव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मानव, क्या अपडेट, क्या जानकारी? पंकज देखिए, IG अंबाला रेंज है उनकी तरफ से बकायदा सार्वजनिक तौर पर मीडिया में ये जानकारी दी गई है कि कल रात को अंबाला पुलिस ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में ये कहा गया था कि जो लोग आंदोलन की हवा खराब कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ जो और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने की, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करने की बात अंबाला पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से की थी। फिलहाल ये खबर आने के बाद थोड़ा सा किसानों के बीच भी इसकी चर्चा हो रही थी, तो फिलहाल इसको वापस लिया गया है। ये कहा गया है कि NSA नहीं लगाएगी, हरियाणा पुलिस और सरकार नहीं लगाएगी और शांति बनाए रखने की अपील भी। बिल्कुल, तो शांति बनाए रखने की अपील किसानों से की गई, यानी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ना बिगड़े वो ध्यान दें किसानों से, ये हरियाणा पुलिस ने कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मानव यादव इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में अहम सुनवाई होनी है। दोपहर 2 बजे का वक्त है, यानी उसके बाद शुरू होने वाली सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर अपना पक्ष रखेगा। इसके बाद मुस्लिम पक्ष यानी शाही ईदगाह की दलीलें भी सुनी जाएंगी। तो वहीं सुनवाई में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ सेंट्रल बोर्ड भी अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेगा। तो ये सुनवाई होनी है दोपहर 2 बजे के बाद, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई होनी है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं बेहद अहम ये सुनवाई है और अलग अलग याचिकाएं जो हैं उस पर बहस होगी। मुस्लिम पक्ष भी अपनी याचिका जो है उन्होंने भी रखी, यानी वो भी अपनी दलीलें देगा मुस्लिम पक्ष भी, और 17 अलग अलग अर्जियां लगाई गई हैं जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। UP सुन्नी बोर्ड जो है वो भी अपनी तरफ से दलीलें रखेगा। तो इस अहम मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड सेंट्रल बोर्ड जो है वो भी अपना पक्ष कोर्ट में रखेगा, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी दलीलें दी जाएंगी। तो अहम सुनवाई आज होनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, मथुरा जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर ये सुनवाई होनी है। अलग अलग अर्जियां दी गई हैं जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो आपको बता दें जो पूरा का पूरा विवाद है वो 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग है और इस जमीन को श्रीकृष्ण जन्मभूमि को देने की मांग इसमें की गई है। हिंदू पक्ष मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाने का दावा किया कर रहा है।